टीवी स्टार करण पटेल का लेटेस्ट फोटोशूट। जी हाँ, करण पटेल 4 साल बाद एक बार फिर नजर आए अपने नए अवतार में। जहां करण अपने प्रिंट ऑन शूट वाले लुक में दिखा रहे थे अपने स्टाइलिश अंदाज का दम, करण अपने इस फोटोशूट से ये प्रूव कर दिया कि ही इज द अल्टीमेट किंग ऑफ फैशन इन टीवी इंडस्ट्री। वेल, करण का ये न्यू लुक बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह की याद दिला रहा था। और जब करण से इस बारे में मीडिया ने किया सवाल, तब क्या कहना था करण का, आप भी सुनिए। वेल, 4 साल बाद फोटोशूट कर रहा हूँ, ये बात तो सच है, लेकिन एक्चुअली मैं दो रीज़न, एक तो मैं आलसी हूँ और दूसरा ये कि यार मेरे पास अब तस्वीरें बची नहीं डालने के लिए और लोग तस्वीरें मांगते रहते हैं। एंड आई सेड व्हाई नॉट जस्ट डू अ न्यू फोटोशूट, तो नए लुक में, नए अवतार में, नई स्टाइल में, एंड मे बी स्टार्ट प्रॉब्ली चेंजिंग पीपल्स पर्सपेक्टिव अबाउट मी एज वेल। अनुराधा हू स्टाइलिंग मी फॉर द एंटायर फोटोशूट नोज मी प्रीटी वेल टू मेक श्योर दैट आई एम कंफर्टेबल इन द क्लोथ्स आई एम वेयरिंग। एंड आई एम डूइंग अ फोटोशूट जानबूझ के ऐसे लुक्स रखे हैं जो नॉर्मली मैं शो में नहीं रखता हूँ, ताकि एक दूसरा पहलू, एक नया दूसरा लुक लोगों को नजर आ पाए। बस यही सोच रहा हूँ कि ये लुक एक बार संजय लीला भंसाली देख ले, शायद है ना पद्मावत 2 मैं कर लूँ। मजाक कर रहा हूँ, बट आई थिंक रणवीर हैज़ द मोस्ट बिजार स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, बट ही कैरीज इट सो वेल, सो आई थिंक उनसे सीखना चाहिए। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू मे बी डू लिटिल बिट ऑफ व्हाट ही कैन एंड गेट अवे विद इट। यार फैशन मेरे लिए वो है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, किसी को फॉलो करना, एंड इफ यू डोंट कैरी इट वेल इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ डिजास्टर। सो आई थिंक फैशन शुड बी व्हाट यू थिंक यू कैन कैरी। आई थिंक फॉर मी, फॉर एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, आई थिंक ब्लू जीन्स एंड वाइट शर्ट इज द मोस्ट गो टू कॉम्बिनेशन, बट फॉर मी एंड मोर ऑफ अ जीन्स चप्पल टी शर्ट गाई। आई एम स्टिल येट टू फिनिश अ लॉट ऑफ लुक्स, बट यस आई थिंक आई हैव अ फ्लोरल जंप सूट विच इज माई फेवरेट। एंड Yeah, I think the more louder you are, the more weirder you are, the more you get talked about. So I think that could also be one of the approaches. ये photoshoot मैं अपने portfolio के लिए कर रहा हूँ, which I need to distribute to various people, including the media or maybe the casting directors or film directors, television production houses, wherever.